फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। फिर सुबह सुबह ये मेरे भाई मौसम्मी का जूस बनाने लगे थे। एक किलो मौसम्मी में एक गिलास जूस भी नहीं निकला, बहुत बेकार था। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहली बार घर में जूस बनाया था किसी चीज़ का, वो भी इतना अच्छा बना भी नहीं। आग जल चुकी है फ्रेंड्स, अब हम लोग बैगन का भरता बनाएंगे, क्योंकि बैगन का भरता चूल्हे पे ही बना हुआ हम लोगों को अच्छा लगता है इसीलिए। फिर मैंने ये बैगन को आग में भूंज लिया, भूनना नहीं होता है बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा जैसे गल जाए ऐसा रखना होता है। अगर चूल्हे में भूंज के बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें और सोंधा सोंधापन लगता है, बिना भूंजे हुए बहुत अच्छा नहीं बनता, इसीलिए इसे पहले भूंजा जाता है। गैस पे भी भूंज सकते हैं, लेकिन मैं चूल्हे पे बना रही थी तो मैंने चूल्हे पे ही भूंज लिए। और बैगन में लहसुन भी लगा दिया जाता है तो इसमें लहसुन की जो है अच्छे से खुशबू आ जाती है और बहुत टेस्टी भी लगता है ऐसे। फिर ये बैगन भूंज गए थे, तीन बैगन थे मेरे पास इसीलिए मैंने तीनों को बारी बारी करके भूंज लिया। ये एक तो पहले ही भून लिया था। फिर अभी इन भुने हुए बैंगन को छीन लेते हैं ऐसे ही। इन्हें छील कर फिर इनका जो है महीन महीन सा भरता ऐसा बना लिया जाता है। आप लोगों को तो आता ही होगा बनाना, ऐसे ही बना लिया जाता है। अब इन तीनों को ऐसे ही महीन महीन काट लेंगे। फिर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर प्याज भी लाल कर ली थी। लोहे की कढ़ाई में बना हुआ भरता बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और इस भरते के साथ हम लोग पानी की रोटी बनाएंगे। फ्रेंड्स, पानी की रोटी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। और एक तो चूल्हे में जब तक तेज से आँच ना लगे तो सब्जी भी लाल नहीं होती, इसीलिए बहुत अच्छे से ही आग चलानी पड़ती है। गैस पे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है। फिर मैंने इसमें टमाटर डाले नहीं थे, टमाटर की चटनी मैंने पीस ली थी वैसे ही, वही चटनी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। फिर जो भी मसाले डाल जाते हैं वो भी डाल दिए थे। फिर जो भरता किया था हम लोगों ने उस भरते को भी इसी के अंदर डाल दिया और इसे अच्छे से लाल कर लेंगे, भून लेंगे इसे। और इसे थोड़ा मैश कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से इसमें मसाले साले सारे मिल जाएं, उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर बस ये बनने ही वाला है, थोड़ी देर से ढांक के छोड़ देते हैं। फिर मैंने आटा गूंद लिया रोटी बनाने के लिए, आज चूल्हे पे ही रोटी बनाऊंगी। आज मैं अपनी मम्मी से रोटी बनवाऊंगी क्योंकि मुझे आता नहीं है और ना मेरी बड़ी वाली बहन को आता है मानसी को। ये मेरी बहन 26 जनवरी के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रही थी,
फिर ये भरता रेडी हो गया था, पूरा बन गया था। फिर मेरी मम्मी पानी की रोटी बना रही थी। देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे ही बनाई जाती है पानी की रोटी। इसमें परेथन लगाया जाता है पर मैंने रख दिया, क्योंकि मेरी आदत है परेथन रखने की, इसलिए मैंने परेथन रख दिया था। पर ये पानी लगा लगा के ही रोटी बनती है। वो वाली रोटी मानसी दीदी ने बनाई थी पर उनसे बनी नहीं, फिर मेरी मम्मी बनाने आ गई। ये रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसे पानी लगा कर बनाया जाता है, हाथों में बहुत चिपकती है। पर जिन लोगों को आता है वो लोग बहुत अच्छे से बना लेते हैं इसे। इसे गरम गरम खाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद फिर ये अच्छी नहीं लगती, इसीलिए इसे गरम गरम ही खाओ। और इसके साथ बैंगन का भरता बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। ये बन गई रोटी, और इस रोटी को सेकने में बहुत ज़्यादा देर लगती है क्योंकि ये बहुत मोटी होती है, इसीलिए हल्के हल्के धीमी आंच पे इसे सेका जाता है ताकि अंदर से कच्ची ना रहे। ये वाली रोटी को मेरी मम्मी ने पलट दिया है। बिल्कुल रेड रेड सी ये वाली रोटी सेकने के बाद तैयार हो गई है खाने के लिए। फिर हम लोग खाना खाने लगे थे, मेरी मम्मी रोटी बनाती रही। बाय बाय फ्रेंड्स।